हाय दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ श्रीजा। आज आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ नारियल तेल से हर्बल हेयर ऑयल। कैसे बनाते हैं? बहुत ही इजीली, आसानी तरीक़ा से घर में हम लोग बना सकते हैं, केमिकल फ्री वो भी। तो चलिए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने गुड़हल की पत्ते यानी हिबिकस के पत्ते और करी पत्ता, हिन्ना की पत्ता, ये ज़रूरी होता है। अगर आप लोग का मिले तो आप भृंगराज का पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं मिले तो आप स्किप कर सकते, कोई बात नहीं। ये तो ज़रूर डालिएगा, ये तो हमारे घर में आसानी तरीक़ा से कहीं ना कहीं मिल जाता है। अगर हमारे घर में नहीं तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। और इसी का बाद हम लोग गुड़हल की जो फूल होता है वो भी डालना होता है, यानी हिबिकस के फूल होता है ना, वो भी डालना होता है। आप फ्रेश नहीं तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से जो सूखा वाला भी, मतलब थोड़ा सा ऐसे मोड़ के रहता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप, मैंने ये 3-4 दिन तक इसको मैंने कलर करके फ्रिज में पॉलिथीन में रखे स्टोर करके रखे थे, उसी के बाद मैंने यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह से जो पीछे का ग्रीन कलर के होता है ना, वो उसको हटा के तब यूज़ करना होता है। इस तरह से मैंने 25 से लेके 30 तक में ये फूल को रखे हैं। और ये है आंवला का और नींबू का छिलका, सब सूखा के मैंने इस तरह से पाउडर बना दिए। अभी पाउडर का इस्तेमाल नहीं करने तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। अगर कच्चा आमला आपको मिले तो आप इसको स्ट्रेन करके, मतलब आप पीस के उसमें डाल सकते हैं या क्रश करके डाल सकते हैं, छोटा छोटा पीसेस काट के भी डाल सकते हैं कच्चा आमला को। ये है कि काली मिर्च का मैंने कूट के डाले हैं, और ये मेथी, ये भी कूट के रखे हैं 2 टेबल स्पून। और जो ये आपको पाउडर बनाना है का ज़रूरत नहीं है, आप अगर सीजनली नहीं मिलता है तो आंवला को आप छोटा छोटा टुकड़ा करके सुखा के आप स्टोर कर सकते हैं, जब आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने खाली तेल के लिए नहीं, कभी कभी हम लोग हिन्ना बाल को लगाते हैं ना, हिन्ना को हमने बाल में लगाने के लिए कभी कभी आंवला का पाउडर को इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैंने बना के रख दिया है। कोई बात नहीं, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। उसी के बाद मैंने 1 लीटर और 1 पाव ये तेल लिया है, कोकोनट ऑयल। ये घर में बना हुआ, मतलब नारियल को घर में सुखा के वो पिसाया गया है, तो ये तेल में मैंने यूज़ करा। आप कोई भी तेल ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप पैराशूट का या और कुछ ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। उसी के बाद मैंने थोड़ा सा बड़ा सा बर्तन लिया है, उसमें तेल डाल दिया। उसी के बाद जो जो मैंने पत्ता लिया है वो सब पत्ते इसमें डाल दिए, और पत्ते के बाद फूल भी डाल दिए। उसी के बाद 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 2 बड़े चम्मच मेथी दाने भी डाल दिए। आप मेथी दाना अब कूट के डालने का भी जरूरत नहीं है, आप जो फुला के भी उसको डायरेक्ट डाल सकते हैं, और आंवला बोले थे ना उसी तरह से आप क्रश करके डाल सकते हैं या छोटे छोटे पीसेस करके डाल सकते हैं। अगर कच्चा आंवला नहीं मिले तो आप सबसे पहले वो उसको जब मिलता है तभी टुकड़ा करके सुखा के स्टोर कर दीजिएगा, तब जब चाहिए तब यूज़ कर सकते हैं। खाली मैंने तेल के लिए नहीं, कभी कभी है ना बाल को भी लगाते हैं ना मेहंदी, उसमें भी मैंने मिला के डालने के लिए मैं पीस के रखती हूँ, तो इसीलिए मैं यूज़ करती हूँ। इसी तरह से मैंने 1 बाय 1 ये तेल में डाल दिया है। 10 मिनट तक आप हाई फ्लेम में रखे इसको उबालने दीजिएगा, बड़ा बर्तन रखिएगा, तभी ये जो तेल जब उबालने लगते हैं तो इसका जो फॉर्म होती है वो नीचे गिरने का चांसेस होता है, इसीलिए आप इस तरह से डालिएगा, एक बार मिला दीजिएगा। उसी के बाद आप इसको उबाल अच्छे से मीडियम फ्लेम में रख दीजिएगा, 10 मिनट हाई फ्लेम में और बाद में मीडियम फ्लेम में रखिएगा, अच्छे से इसको मिलाने दीजिएगा। जब तक ये अच्छे से बॉयल नहीं होता तब तक इसको उबालने रखिएगा। ये इसको इतना अच्छा उबालने देता है, ये उतना अच्छा तेल हमारा को बन जाता है। यही है हमारे का बाहर मिलता है, वो केमिकल डाल के वैसा बनाते हैं, पर हम लोग अच्छे से ही केमिकल फ्री का बनाते हैं, बहुत हेल्दी भी है। और क्लाइमेट का अनुसार आप इसको थोड़ा कम या ज़्यादा करके भी डाल सकते हैं, जैसे ठंड का समय होता है तो ये सब जो चीज़ है ये बॉडी को ठंडा करता है, तो इसीलिए शरीर को जो ठंडा करने वाला थोड़ा कम डालना जरूरी होता है ठंड का समय में। अगर गर्मी में यूज़ कर रहा है आप थोड़ा ज़्यादा डाल के भी बना सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो एलोवेरा भी इसको छोटा छोटा टुकड़ा करके भी डाल सकते हैं। तो अगर जो चीज़ हम लोग इसमें डाले हैं
अगर आपको सूट नहीं होता है, एलर्जी होता है, उस वो चीज़ आप स्किप करके डालिएगा। जैसे हमको एलर्जी होता है एलोवेरा से, इसीलिए मैंने एलोवेरा इसमें नहीं डाले हैं। तो उसी तरह से आप इसमें ऑनियन का भी डाल सकते हैं, या कलौंजी का जो सीड्स होता है, मतलब ऑनियन का सीड्स होता है, वो भी इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही फ़ायदा होता है ऑनियन भी डालने का। जैसे मैं इसमें नहीं डाली हूँ, तो कभी कभी ऑनियन नहीं यूज़ करते हैं ना, तो इसीलिए मैंने स्किप कर दिया है। तो इस तरह से अच्छे से उबाल आने के बाद ये जैसे अच्छे से ये क्रिस्प हो जाता है, तब तक इसको उबालने रखने रख दीजिएगा। उसके बाद ये अपने आप से क्रिस्प हो जाएगा, तब इसको बंद कर दीजिएगा, अच्छे से ठंडा होने दीजिएगा। इसको जैसे ठंडा हो जाए, हम लोग एक कंटेनर में स्ट्रेन करके डाल के रखिएगा। 6 महीने तक इसको अच्छे से ये हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। 6 महीने के बाद तो इसको यूज़ नहीं होगा, तो 6 महीने तक हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर हिबिकस कभी नहीं मिलते, मतलब गुड़हल का जो फूल नहीं मिलते हैं, आप उस समय पर स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम लोग इसको वीकली वंस, मतलब सप्ताह में एक बार यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग तेल लगा के उसके बाद हम लोग 2 घंटा का बाद शैम्पू कर सकते हैं, या आप डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है, ये हेयर ग्रोथिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो हमारे को चूर ज़्यादा डैंड्रफ होता है उसी का जो कम करते हैं, और बाल हमारे को जो कभी कभी हेयर फॉल ज़्यादा होता है उसी को भी कम करती है। तो बहुत ज़्यादा फायदा है इसको, तो ज़रूर आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। इसको आधा लीटर को कितना कितना क्वांटिटी में डालना है, वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करता हूँ, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगी, और आप फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इतना मेहनत करने का तो एक लाइक बनता ही जी, तो लाइक कीजिएगा। अगर अब तक हमारा चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में जो घंटी दिखता है उसको प्रेस कर दीजिएगा, कभी जब मैंने वीडियो डालती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग का जैसे आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो जो भी डाउट्स हैं, या आपका जो कैसे लगी वीडियो, वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, फिर अगले वीडियो में फिर मिलूंगी।